हेलो डियर, आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज इस प्रकार है। प्रश्न संख्या एक, पूसा 44 प्रजाति किसकी है? चार ऑप्शन है यहाँ पे, धान, गेहूँ, अरहर, मक्का। तो आपका राइट आंसर होगा धान। पूसा 44 धान की प्रजाति है। सेकंड क्वेश्चन, धान की सुगंधित किस्म है? चार ऑप्शन, टाइप 23 सरजू 52, टाइप 3 सीता। राइट आंसर इज टाइप 3। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, धान की ऊसर भूमि के लिए किस्म है? नंबर एक चकिया 59, नंबर दो जलप्रिया, नंबर 3 CSR10 और नंबर 4 मधुकर। तो राइट आंसर होगा CSR10। दिस इज द राइट आंसर, CSR10। चौथा क्वेश्चन, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए धान की किस्म है? चार ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन मधुकर, दूसरा सरजू 52, थर्ड ऑप्शन नरेंद्र 359 और फोर्थ ऑप्शन पंत धान 12। तो यहाँ पे सही उत्तर यानी राइट आंसर होगा मधुकर। मधुकर जो है फ्लड एरिया या बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए धान की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइकोडर्मा क्या है? चार ऑप्शन, कीटनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी या ननाबदीज। तो इसका राइट आंसर होगा कवकनाशी या फंगीसाइड। ट्राइकोडर्मा एक फंगीसाइड या कवकनाशी है। छठवां क्वेश्चन, सामान्य दशा में प्रति वर्ग मीटर स्थान पर धान के कितने हिल होने चाहिए? 50, 75, 100, 150। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 50, यानी प्रति वर्ग मीटर एरिया में 50 हिल होना चाहिए। इसके बाद सैनिक कीट किस फसल का हानिकारक कीट? सैनिक कीट मतलब आर्मी वर्म। तो ऑप्शन आपका है मक्का, दूसरा धान, तीसरा अरहर, चौथा गेहूँ। तो राइट आंसर आपका धान। ये धान का बहुत ही हानिकारक कीट है आर्मी वर्म। ये दिन के समय दरारों में छिपा रहता था, दिन के समय दरारों में या धान के कल्लों में, पौधे के कल्ले में छिपा रहता, रात के समय ये निकलता है और धान की बालियों को काट के गिरा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में टुंगरू वायरस का वाहक कीट कौन सा है? मतलब ट्रांसमिशन ऑफ टुंगरू वायरस किसके द्वारा होता है? तो चार ऑप्शन है, सफ़ेद पीठ वाला फुदका, दूसरा हरा फुदका, तीसरा भूरा फुदका और चौथा सैनिक कीट। इसमें फुदका मींस लीफ हॉपर होता है, जैसे ग्रीन लीफ हॉपर ब्राउन है, वाइट है, आर्मी वर्म। तो यहाँ पे टुंगरू वायरस का वाहक कीट, ये आपका राइट आंसर होगा हरा फुदका या ग्रीन प्लांट हॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन धान से ही रिलेटेड है, धान में ग्रासी स्टंट वायरस का वाहक कीट कौन सा है? यानी ट्रांसमिशन ऑफ ग्रासी स्टंट वायरस डिजीज इन राइस ड्यू टू, चार ऑप्शन, हरा फुदका, भूरा फुदका, सफ़ेद फुदका, सैनिक कीट। तो यहाँ पे ब्राउन प्लांट हॉपर या भूरा फुदका इसका राइट आंसर होगा, भूरा। दसवां क्वेश्चन, धान का 2N मतलब गुणसूत्र संख्या 2N कितना है? तो चार ऑप्शन आपका 42, 24, 20 और 48। तो धान का क्रोमोजोम संख्या जो है ये है 24, धान का 24, गेहूं का 42 और 20 अगर पूछा जाए तो किसका है? 20 जो है मक्का और ज्वार का है। 48 किसका है? 48 आपका आलू का है, तंबाकू का है। हमने पिछले वीडियो में एक प्रश्न पूछा था, मक्के की फर्स्ट चार हाइब्रिड, प्रथम चार संकर किस्में कब रिलीज हुई?
ये किसमें है? गंगा एक, गंगा 101, गंगा एक, गंगा 101, रंजीत और दक्कन। ऑप्शन चार दिया गया तो 1951, 1961, 1971, 1975। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1961। 1961 में भारत में चार हाइब्रिड पहली बार रिलीज किया गया, गंगा एक, गंगा 101, रंजीत और दक्कन। ये सभी जो है पहली बार जो है मक्के की संकर किस्में रिलीज हुई। और आज के वीडियो का जो आज का प्रश्न है, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, धान में सफ़ेदा रोग का कारण, धान में वाइट डिजीज़ का क्या कारण है, सफ़ेदा रोग का कारण? पहला एल्युमिनियम की कमी, दूसरा आयरन की कमी, तीसरा नाइट्रोजन की कमी, या चौथा जिंक की कमी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू।